वेलकम बैक गाइस टू प्रिया जी के समाधान। आज मैं आपको दीपावली और धनतेरस, इसमें से आप किसी एक दिन भी केयर्स कर सकते हैं, दोनों दिन करेंगे तो और भी उत्तम होगा। इन दोनों दिन में से विशेषकर दीपावली के दिन इसे अवश्य करें। इसे उपाय को करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवी लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, सिर्फ ऐश्वर्य की देवी नहीं है, वो साथ ही अष्ट सिद्धियों नौ दिधियों को भी देने वाली हैं। जो भी दीपावली के दिन या वर्ष भर ही उनकी आराधना करता है, उसे स्वतः ही अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। उसके लिए जीवन में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के आपको ये उपाय बताती हूँ जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करके आपको आपके मनवांछित यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, नौ निधियों की प्राप्ति करा सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के आपको उपाय बताना शुरू करते हैं। पहला उपाय, आप दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करेंगे ही, तो आप उस पूजा के पश्चात अपने घर के प्रत्येक कमरे में घंटी और हो सके तो शंख जरूर बजाएं। इससे क्या होता है, चूंकि शंख लक्ष्मी जी के सहोदर भाई माने जाते हैं, क्योंकि उनका उद्भव भी शंख का उद्भव भी समुद्र से ही हुआ है, इसलिए माता लक्ष्मी को और नारायण को शंख विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इसलिए आप उस दिन अगर शंख का पूजा में उपयोग करते हैं, घर के प्रत्येक कमरे में शंख और घंटी अवश्य बजाते हैं, क्योंकि नारायण को वो बिना घंटी के नहीं लगता। इसीलिए आप उनकी कृपा का घंटी और उनकी कृपा से शंख यदि बजाते हैं तो आपके घर से दरिद्रता भाग जाती है और आपके घर के प्रत्येक जीवन में यदि कोई भी समस्या है, धन की समस्या, ऐश्वर्य की, विशेषकर नकारात्मकता की, घर में कोई भी जगह व्यक्ति नकारात्मक हो रहा है, उसके मन में गलत विचार आते हैं, वो गलत कामों की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये उपाय आपके जीवन के सभी नकारात्मकता को हटा देगा, घर की दरिद्रता मिटा देगा और आपके घर के व्यक्तियों के जीवन जो भी समस्याएं होंगी वो सभी जल्द से जल्द दूर होना शुरू हो जाएंगी। और आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो दूर तो होंगी ही होगी, साथ में आपका जीवन सुखमय और समृद्धिमय हो जाएगा। इस दिन आप श्री गणेश की पूजा तो करेंगे ही, इसीलिए इनको पूजा में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। यदि आप श्री गणेश की पूजा नहीं करते हैं, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की करते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की करते हैं, तो आप गणेश जी को अलग से लेके चढ़ाएं जरूर। प्रथम पूजा श्री गणेश की पूजा के बिना तो कोई पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि वो रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। उनकी कृपा से बुद्धि, विनय, विवेक सभी आते हैं और सभी देवताओं का आगमन उनकी कृपा से ही होता है। इसीलिए जब भी आप पूजा करें, श्री गणेश विनायक का स्मरण जरूर करें और उनको 21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं। यदि आप उनको दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश विनायक की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और उनकी कृपा के यदि किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो उसके जीवन में वृद्धि सिद्धि तो आती ही आती है, साथ ही उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि श्री गणेश प्रथम पूज्य जो है और उनके जीवन के सारे संकट विनायक बहुत जल्दी हर लेते हैं, विनायक प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो उस दिन उनको उनके प्रिय व्यंजन मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी आप खीर का भोग जरूर लगा सकते हैं। अब है दूसरे उपाय, तो दूसरे उपाय के तौर पर आप दीपावली के दिन हो सके तो आप उस दिन दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन ये उपाय विशेष तौर पर जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो क्या करना है आपको, दीपावली के दिन अपने घर के आसपास या किसी भी स्थान पर आपको जो भी पीपल का पेड़ दिखे उसमें जल अवश्य चढ़ाना है। जल चढ़ाते हुए मन की कामना पीपल देव से कहनी है। इससे क्या होगा, पीपल के देव जो पेड़ होता है उस पर शनि देव की विशेष कृपा मानी गई है और उसके साथ साथ नारायण का वास भी उसमें होता है। यदि आप पर नारायण की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर आ जाती हैं, उनको बुलाने के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। तो उस दिन आप पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं और हो सके तो शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। बस एक सावधानी आपको रखनी है कि जब पीपल, चूंकि उस दिन अमावस्या तिथि होती है, इसीलिए आप उस दिन पलट कर ना देखें, पीपल के पेड़ पर नीचे दिया रखें, अपनी कामना कहे और लौटाएं। इससे भी आपकी कामना जो भी संबंधित होगी, शनि संबंधित, काल सर्प दोष, ये तो दूर हो ही जाते हैं। इसके अंतरिक्त आपकी जो भी कामना हो वो भी स्वतः दूर हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि आप पर भी श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।